यूपीएससी ने सिविल सेवा 2022 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल रहे उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकते हैं। इस परीक्षा में इशिता किशोर ने AII यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। इसके बाद में गरिमा लोहिया, उमा हरती एन और स्मृति मिश्रा रही। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में कुल 933 उम्मीदवार नियुक्ति के लिए चयनित किए गए हैं। इसमें से 345 कैंडिडेट्स अनारक्षित, 99 EWS और OBC से 263, SC से 154 और ST कैटेगरी से 72 उम्मीदवार शामिल किए गए हैं। इनमें से IAS के पद के लिए 180 उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जबकि 178 उम्मीदवारों को रिजर्व लिस्ट में रखा गया है। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए आप खबर विभाग को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें।